हज़रत ईसा सलाम के नाना का नाम हजरत इमरान था हजरत इमरान के यहाँ औलाद नहीं थी उनकी जोजा हजरत हन्ना सलामुल्ला सलाम्ल पैगंबरों का खानदान है पैगंबरों की सोहबत है तो वो भी सबर शुक्र करके अल्लाह की रिजा पे राजी थी घर के सेहन के अंदर दोपहर के वक्त चार पाई बिछाए एक दरख्त के नीचे कैलूला करने लगी तो एक मंजर देखा कि दरख्त पर एक चिड़िया ने घोंसला डाला हुआ था और उसने बच्चे दिए हुए थे वो कहीं से उड़ के जाके दाना उठा के लाती और बच्चा चोच खोलता और मां उसकी चोच में दाना डाल दी चिड़िया के बच्चे के साथ चिड़िया की मोहब्बत को देखा तो हजरत हन्ना का दिल चोट खा गया और बार गाहेदी मर्स की मालिक तू जानवरों को भी बच्चे दिए हैं और वो उनसे प्यार कर रहे हैं तेरे दरबार में क्या कमी है अगर तू मुझे अता कर दे दिल चोट खा गया दिल की अथाह गहराइयों से दुआ निकली अर्श तक जा पहुंची अल्लाह ने हजरत हन्ना को करम नवाजियों से मोल माल कर दिया हजरत हन्ना ने कहा ए अल्लाह जो मेरे बतन में है मैं तेरे घर के लिए उसको वक्फ करती हूं जब वलादत के लम्हे आए तो हजरत हन्ना जौजा इमरान ने बेटी को जन्म दिया तो परेशान हो गई कि मालिक ये तो बेटी है मैंने तो इसको मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ किया है और वहां सारे मर्द हैं एक लड़की जब जवान होगी तो उसको वहां कैसे छोड़ सकूंगी मन्नत मेरी कैसे पूरी होगी बहुत परेशान हुई मन्नत की तकमील का सोच के, के मालिक ये तो बेटी है आवाज आई परेशान होने की जरूरत नहीं हन्ना जो तूने बेटी जन्म दी है ऐसे तो बेटे भी नहीं होते उस बेटी का नाम क्या रखा गया मरियम सलामुल्ला अलैहा बेटी जवान हो गई तो मन्नत याद आई कि अब इसको मुकद्दस में हमने वक्फ करना है परेशानी हुई कि अब तीन सौ उजरे हैं जिनमें मर्द ही मर्द हैं एक तनहा औरत कैसे वहां रहेगी तो ये सोचा कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो जिसकी कफालत में इनको दिया जाए तो वो इनकी देखभाल करे जरियात को पूरा करे तो बहुत सारे लोग इस आदत के लिए तैयार हो गए फिर कुरा डाला गया कुराए फाल निकला हजरत जकारी के नाम अल्लाह के जलील पैगम्बर और रिश्ते में खालू भी लगते थे कहा यह शादत मेरे जुम्मे रही और चूंकि उनके यहां भी औलाद नहीं थी उन्हें कहा ठीक है हम इसे बेटी बना के इसका ख्याल रखेंगे हजरत जकरियालाम ने एक हजरा मुख्तस हजरत मरियम के लिए और उनकी जरूरियात को पूरा करते खाना देते जब कहीं जाना होता तो हुजरे को बाहर से ताला लगा के चले जाते इफ्तार के वक्त या रात को गए हैं तो शहरी के वक्त फिर आ जाते एक दिन हजरत जकरिया इस्लाम ताला लगा के कहीं गए काम वापस आते हुए देर हो गई और इफ्तार के लम्हे गुजर गए बहुत परेशान हुए तो खैर सामान लेके तेजी से पहुंचे और आके दरवाजा खोला वजह रिजका तो देखा बेमौसम में फल पड़े हुए हैं हैरत तो ये थी कि फल हैं, दरवाजा मुकफल है बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता फल कैसे आए पहली हैरत तो ये फिर फल भी बेमौसम में काला या मरियमो अन्ना लके हाजा ए मरियम ये कहा से आए कालत हो वन दिल्ला कहा ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए ये मुझे मेरे रब ने दिए हैं इन अल्लाह को मई यशाओ हिसाब वो जिसको चाहता है बगैर हिसाब के ताकत उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है जो मां के पेट में बच्चे को रिज देता है अंडे में चूजे को रिस्क देता है वो हुआ मरियम में मरियम को रिस्क नहीं दे सकता अब हजरत का जिक्र आपने सुना औलाद हाँ, नहीं थी और उम्र कितनी हो गई थी 120 साल और आपकी जोजा की उम्र 100 साल होगी तो अब तो उम्मीद भी खत्म हो गई औलाद की लेकिन जब बेमौस में फल देखे ना तो अंदर छुपी हुई उम्मीद की मोहूम सी जो चंगारी थी वो भड़क उठी और हजरत जकरिया ने हाथ फैला लिए हुनाले का ज़करिया रब मालिक जब तू मरियम को बेमौसम मौसम फल दे सकता है मेरे शजरे उम्र पर औलाद के आने का मौसम बीत गया है लेकिन मालिक क्या तू मुझे बेमौसमी औलाद नहीं दे सकता हजरत जकरिया वहीं खड़े होकर दुआ मांगने लगे मालूम हुआ जहां रहमतें उतरती दिखाई दे वहां दुआ मांगी जाती हम जब अल्लाह वालों की कुर्बत में जाके अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो कुछ लोग मोतरज होते हैं कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है यहां क्यों मांग रहे हो मस्जिद अक्सा पास है लेकिन हुजरा मरियम में अल्लाह का पैगंबर दुआ मांग रहा है वहां रहमत आंखों से उतरते हुए देखी इन्ना रहमत अल्लाह करीबसन अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरी रहमत मुह से नींद नेको कारों के नेड़े होती है इसलिए हम अल्लाह वालों के करीब जाके अल्लाह से मांगते हैं मालिक तेरी रहमतें यहाँ बरस रही भुना ले का दबा वही खड़े होके दुआ मांगना शुरू कर दी अल्लाह मुझे सुथरी ओलाद अता कर फिर क्या हुआ कि कहा गया यहाँ दुआ क्यों मांग रहे हो मेरे घर में आओ कहा गया नबी होके वलिया के हुजरे में दुआ मांग रहे हो तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा नहीं सुनो कुरान सुनो फनादतुल मलाइका फरिश्ते आके पुकार करने लगे कब वह हो वह काय युसली फिल मेहराब वो हुजरे में खड़े अभी दुआएं मांग ही रहे थे फरिश्तों ने आके नदा दी क्या अन्यू बशरो बेहिया ऐसा करिया तुम्हें मुबारक हो हम तुम्हें यही आता फरमाएंगे औलाद मांगी है तो यही मिलेगा लेकिन अकेली औलाद नहीं मांगी सुथरी औलाद मांगी है पाक औलाद मांगी है तो मुसद कम बेकले सैदाओ वो व नबीन जो बेटा देने वाले हैं वो कलेमतुल्ला की तस्दीक करने वाला होगा सरदार होगा औरतों से अलग रहने वाला होगा और पैगम्बर होगा सालेहीन से नबी होगा ये शानों का मालिक होगा फौरन दुआ कबूल हो गई ये है करामत सैदा मरियम के हुजरे में बेमौसम मौसम फलों का मिलना और वहां दुआओं का कबूल होना